आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे शहर के बारे में बताने वाला हूँ जो परिचय का मोहताज नहीं। आपने इस शहर को बहुत ही हॉलीवुड की फिल्मों या बॉलीवुड की फिल्मों में देखा हो। यह शहर दुबई। आज हम जानेंगे दुबई के बारे में। दुबई दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। दुबई की ऊंची इमारतें, दौलत, शोहरत, सख्त कानून आज सब कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं। आइए जानते हैं दुबई के बारे में कुछ खास बातें, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की। इसमें 164 फ्लोर हैं और इस इमारत की लंबाई लगभग 800 मीटर। इस इमारत को हम 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। इस शहर में क्राइम 0%, तभी इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। इस शहर में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लाइसेंस के बिना घर में शराब पीने की इजाज़त नहीं है। यहाँ की पुलिस के पास लेम्बोग्रिनी, फेरारी और बेंटले जैसी कारें होती हैं। दुनिया भर में देशों में लोगों इनकम टैक्स देना पड़ता है। दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोगों को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर, जहाँ 1200 से भी ज़्यादा स्टोर हैं। यहाँ पर शादी से पहले महिला पुरुष संबंध बनाना अवैध है। कोई ऐसा करते हुए पकड़े जाते तो गिरफ्तार करने के बाद निवारित किया जाता है। इस शहर में कुछ ऐसे ATM हैं जो सोने के सिक्के निकलते हैं। 1960 तक यहाँ कुछ देखने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इस दुनिया का सबसे अमीर देशों की सूची में गिना जाता है। पेट्स के तौर पर यहाँ लोग कुत्ते, बिल्ली, नहीं शेर, चीता पालना पसंद करते हैं। यहाँ इमारतें के अंदर ही बल्कि स्टैंड पर भी AC लगा होता है। यहाँ के मूल निवासियों की संख्या कुल संख्या में केवल 17%, बाकी जनसंख्या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य यूरोपीय देशों की है। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में ही होती हैं। इस शहर में बजाया जाता है, सब लोग व्यवस्थित कर चलते हैं, इसलिए दुबई की सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। इस शहर में बाकी देशों की तरह एड्रेस सिस्टम नहीं है। किसी को एड्रेस पर जाना होता है, वहाँ आसपास के मकान, होटल्स, अन्य फ्लैट्स की जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्रेन दुबई में है। यहाँ पर पुरुषों के लिए शेख और औरतों के लिए शेखा नाम लिया जाता है। यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा सस्ती कोल्ड ड्रिंक मिलती है। दुबई में सोने यानी कि गोल्ड का व्यापार बहुत ज़्यादा है। दुबई के लोग सोने की बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे घनी आबादी वाला यह अमीरात आज वैश्विक शहर और व्यावसायिक केंद्र पर रूप में उभरा है। यह एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण विश्व के लोगों की अपनी ओर आकर्षित करती है। दुबई में एक घूमने वाली बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जो 2020 में बनकर तैयार होगी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1075 फीट होगी। ये दुनिया की पहली ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग होगी। इसकी एक खासियत यह भी होगी कि ये जितनी एनर्जी खर्च करेगी उसकी 10 गुना ज़्यादा स्वयं पैदा कर देगी। दुबई में पैदल चलने वाले बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक नियम आसान है। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग पर एक स्विच लगा होता है, जिसे दबाकर ट्रैफिक को रोका जा सकता है और रास्ता पार करके बाद स्विच दबाकर ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। दुबई में गंदी कार नहीं चलाई जा सकती। ऐसा करने पर कार के मालिक को 2000 दिनार का जुर्माना लगता है। दुबई में खुले में कार धोना भी वर्जित है। कार स्पेशल कार वॉशिंग सेंटर में ही धुलवाई जा सकती है। उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।